Today we are going to start LC oscillations. So what are LC oscillations? Definition मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि जब भी कोई चार्ज कैपेसिटर को डिस्चार्ज किया जाता है किसी नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर के थ्रू, तो ऐसे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाते हैं कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी के. इन ऑसिलेशंस को ही बोला जाता है क्या, एलसी ऑसिलेशंस. सो व्हेनेवर एनी कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, देन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी आर प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट एंड सच ऑसिलेशंस आर नोन एज और कॉल्ड एलसी ऑसिलेशंस. कैसे होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं. और हमारे जो इस बार की सिलेबस में है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस ओनली. क्वालिटेटिव एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस बोले तो डेरिवेशन, और क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट. तो हमें सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्सप्लेनेशन बेस्ड इसको समझना है, ठीक है. तो एक्सप्लेन वे में देखिए कैसे समझेंगे हम यहां पर. तो जब हमने प्योर कैपेसिटिव रजिस्टर सर्किट की बात की थी, प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट की बात करी थी, तो उस टाइम भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर डीसी के अंदर डीसी बैटरी उस कैपेसिटर पर लगा दी जाए तो डीसी करंट पास नहीं होती. डीसी बैटरी लगाने का काम सिर्फ कैपेसिटर को क्या करना होता है, चार्ज करना होता है. एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगाने पर वो क्या कर रहा होता है, हाफ साइकिल में चार्ज, नेक्स्ट हाफ साइकिल में डिस्चार्ज, फिर चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज, ऐसा ऐसा कुछ होता रहता था, वही उसके ऑसिलेशन हो रहे थे, ठीक है. अब यहाँ पर एक तरह से हम डिस्कशन कर रहे हैं एलसी सर्किट, लेकिन इसमें हम कोई बैटरी सोर्स नहीं लगा रहे हैं. हमने क्या किया, सबसे पहले एक कैपेसिटर उठाया और उसको एक डीसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया. पहले मान लीजिए इस पर कोई चार्ज नहीं था और इसको एक डीसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट करने का मतलब है इसको हमने चार्ज कर दिया, ठीक है. लेट सपोज चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स इज क्यू नॉट. क्यू नॉट इज द टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर. अब इस कैपेसिटर को मैं उठा रहा हूं जो चार्ज हो चुका है, और इसको हम एक इंडक्टर के साथ ज्वाइन करने वाले हैं साथ, ठीक है. तो देखिए यहां पर कैसे ज्वाइन कर रहे हैं. मान लीजिए कि यहां पर ये हमने एक इंडक्टर लगा दिया, और कैसा लगाया है, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ा छोटा बनाएं क्योंकि डायग्राम बहुत सारे बनेंगे. ये एक इंडक्टर ले लिया, कैपेसिटर ले लिया, और कनेक्ट करने वाले हैं. अभी हमने मान लीजिए कनेक्ट नहीं किया है, आप चाहो तो एक स्विच टाइप का रख सकते हो जिससे जब चाहे जब कनेक्शन दिया जा सके, सर्किट को क्लोज किया जा सके. अभी कैपेसिटर हमारा चार्ज, और मान लो हमने इसको इस तरीके का कुछ चार्ज कर रखा है ना, और टोटल चार्ज इस पर क्यू नॉट. जब हमने इस इंडक्टर को ज्वाइन किया, ये इंडक्टर कैसा लिया हुआ है, प्योर इंडक्टर, मतलब इसके पास इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा कुछ हमने अभी इनिशियल लेवल पर अज्यूम किया है. ऑल्दो आइडियली ऐसा होता नहीं है, तो हमने आइडियल इंडक्टर मान रखा है, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर इस सर्किट में भी हमने ऐड कर रखा है. जब इंडक्टर जस्ट ऐड ही किया हुआ है और अभी इसको सर्किट को क्लोज नहीं किया, तो इसके अंदर किसी भी टाइप की एनर्जी स्टोर नहीं है, ठीक है सर, अभी कोई भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर नहीं है. जैसे ही, और अभी कैपेसिटर के अंदर चार्ज, कैपेसिटर चार्ज है तो ये अपने पास सारी की सारी एनर्जी रख रहा है. किस फॉर्म के अंदर रख रहा है, अगर मैं पूछूं चार्ज कैपेसिटर तो उसकी एनर्जी स्टोर कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी U या P ऑफ कैपेसिटर कितनी होती है साहब, Q नॉट स्क्वायर बाय हाफ CV स्क्वायर. C कैपेसिटेंस C हो, चार्ज Q हो, तो उस टर्म्स में हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, Q नॉट Q स्क्वायर बाय 2C होता है ना, Q
क्यू स्क्वायर बाय टू सी, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाय टू सी इसकी क्या हो गई एनर्जी। ये एनर्जी किस फॉर्मेट की है, इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। सो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। ठीक है, चार्ज मूव नहीं कर रहा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन जनरल इलेक्ट्रिकल भी बोल दिया जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें ये पता चल रहा है, हम भाई बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अच्छा, मुझे जल्दी से ये बता दीजिए कि जो इंडक्टर अपने पास एनर्जी स्टोर करता है वो कौन से फॉर्म की होती है। जल्दी बताइए, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, मैग्नेटिक करंट पास करते हैं तो क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी एनर्जी होगी, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की टर्म्स में एनर्जी को स्टोर किया गया इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोला, मैग्नेटिक की फॉर्म में यह एनर्जी एसोसिएट करवा रहा है तो मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो अगर मेरे को कहीं पे एनर्जी इसकी बोलनी होगी तो मैं क्या बोलूंगा, यू बी, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड वाली, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी और ये किसके थ्रू स्टोर की जाएगी, स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर। ठीक है, अभी हम यहां पर इसको कुछ लेवल दे रहे हैं। ठीक है, मैंने पांच चार्ज डाल रखे हैं यहां पर दिखाने के हिसाब से, उसी के हिसाब से करते हैं। जैसे आपके मोबाइल के अंदर बैटरी के डब्बे होते हैं, आपको पता चलता है कि अभी बैटरी फुल है, तो वही काम हम यहां करने वाले हैं। अभी ये देखिए, ये पूरी बैटरी इस तरीके से क्या, अभी ये इसको बोल दूं मैं यूई, अभी इनिशियली कैपेसिटर की टोटल एनर्जी फुल चल रही है और इसकी एनर्जी यूबी कितनी चल रही है, अभी जीरो। ठीक है, अच्छा साहब, अब हमने क्या कर दिया, कनेक्शन दे दिया। जैसे ही हमने कनेक्शन दिया तो ये बन गया एक क्लोज सर्किट, कैपेसिटर के पास चार्ज था, अब वो चार्ज हवा में होते हुए इधर तो आएगा नहीं, इसको जिधर रास्ता मिल रहा है वो उधर से फ्लो होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा हम बोलेंगे करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, या हम बोलते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलती है। तो यहां से ये कैपेसिटर, जैसे ही हमने इस सर्किट को क्लोज किया, इसके अंदर से चार्ज उठ करके इधर आने लगा, और इधर जैसे ही ये आया लगाने के जस्ट बाद, तो ये वाली सिचुएशन हम फिर से बना रहे हैं कि अब क्या हुआ होगा। ये हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करते ही क्या यहां से चार्ज खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे, क्या इसका चार्ज फ्लो होगा तो कैपेसिटर विल बी डिस्चार्जिंग, यस और नो, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अभी फुली चार्ज है, तो जैसे जैसे चार्ज इसमें से निकलता जाएगा, इसकी जो एनर्जी, इसकी जो एक तरह से आपके मोबाइल की बैटरी आप यूज करते हो तो एक डंडा खत्म हो जाता है, तो अब यही बेसिकली यहां पर होने वाला है। मान लीजिए एक चार्ज चला गया, यानी कि एक डंडा चला गया आपका बैटरी का पांच में से, तो अभी आपके पास कुछ ये वाला सिचुएशन बच रहा है, चार डंडे रह गए। ये जो चार्ज गया तो मैंने बोल दिया 1, 2, 3, 4, तो यहां पर उसी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज भी उतने ही बचेंगे। एक चार्ज गया तो इससे कुछ करंट हुई आई, ये आई करंट किस में जाएगी, कॉइल के अंदर, कॉइल के अंदर कुछ इस तरीके से फ्लो होगी। ठीक है,
कुछ कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे, ठीक है। मैं ये, अच्छा डिपेंड करता है आप इस कॉइल को बना कैसे रहे हो, जिस तरीके से आप बनाओगे उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो आप ये मत कहिएगा कि सर इस बुक में तो इसका एरो ऐसे है, आपने ऐसे बनाया था, ये डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर कि ये मैंने कॉइल ऐसे बनाई है, और अगर करंट ऊपर से आ रही है तो यहाँ से निकलेगी और इस तरह से आती हुई इस तरीके से लूप में चलेगी। तो ध्यान से देखें तो यहां से इधर से चल रही है और फिर अंदर आ रही है, ठीक है, ऐसे, समझ में आ रही है, यहां से चल रही है, ये बाहर वाला हिस्सा है, ये बाहर वाला हिस्सा, बाहर में ऐसे जा रही है फिर अंदर होकर के आ रही है, तो ये करंट कुछ इस तरीके से डेवलप होगी, ठीक। सबसे पहले किधर आई, इधर, ये देख लीजिए आप, केवल अगर मैं बनाऊं तो सिर्फ इधर, तो ये बाहर ऐसे आ रही है, तो ये वाला हिस्सा बाहर की तरफ दिखाया गया है और ये इसके पीछे का हिस्सा है, तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही होगी। अगर आप इसकी सिचुएशन ओरिएंटेशन कुछ ऐसे बना देते तो अलग तरीके से फ्लो हो जाते, ठीक है, ये कुछ ऐसे फ्लो हो रही होती है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का सर्किट बना रहे हैं। तो अभी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि ये वाला हिस्सा बाहर है तो करंट कैसे जनरेट होगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ, ठीक है, हर एक में इस तरीके से फ्लो हो रही है, इस तरीके से फ्लो और फिर इधर आ रही है। तो जैसे ही करंट लूप्स के अंदर फ्लो होगी इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ इधर हुआ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल और साउथ इधर हुआ, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो कुछ इस तरीके से चलेंगी। ये इस तरीके से अंदर स्ट्रेट हो जाएंगे, ये ऐसी। तो अभी एक चार्ज डिस्चार्ज हुआ, एक चार्ज के रेस्पेक्ट में मैंने कितनी लाइन बना दी, दोनों तरफ एक एक लाइन बना दी। जैसे ही इसमें एक चार्ज फ्लो हुआ उसके कारण कुछ करंट जनरेट हुई, करंट जनरेट होते ही इसके अंदर करंट फ्लो हुई, किसमें, इंडक्टर में, इंडक्टर में करंट फ्लो होते ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। इसका मतलब इसने अपने अंदर इसके चार्ज की जो एनर्जी थी वो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में एब्जॉर्ब कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या, अच्छा तो यहां पर अगर मैं इस डब्बे डायग्राम को एक्सप्लेन करूं तो अभी इसका पूरा पूरी बैटरी खाली चल रही थी, ये पांच लेवल थे, पांचों लेवल खाली थे, अभी इसका एक लेवल फिल हो गया पांच में से, ये पांच में से एक लेवल फिल हो गया, उसका एक लेवल खत्म हो गया। अब फिर से एक चार्ज और डिस्चार्ज होगा, चार थे अब तीन ही रह गए, तो फिर करंट अब आई डैश हो गई, करंट पहले से ज्यादा हो गई या कम हो गई, ज्यादा हो गई, जीरो वन टू इस तरीके से चल रही है ना कंटिन्यूएशन के अंदर, तो करंट ज्यादा हो गई तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी? यस सर। तो ये मैंने दूसरे चार्ज के रेस्पेक्ट में दो फील्ड लाइन दोनों तरफ बना दी ताकि आपको समझ आ जाए, और एरो इधर से बाहर निकल रही है तो ये बाहर निकल रही है और एंटर इधर कर रही है तो ये इसके एरोस बन गए, ये एंटर कर रही है तो ये इसके एरोस बन गए, इधर से बाहर निकल रही है, इधर से बाहर निकल रही है, ये कुछ ऐसा। अगर इसका मैं एनर्जी लेवल का डायग्राम शो करूं तो बताइए इसके कितने लेवल कंप्लीट हो चुके हैं, इंडक्टर वाले टू लेवल्स, और उधर क्या हुआ होगा, टू डिक्रीज हो गए, तो ये वन और टू डिक्रीज हो गए, तीन भरे रह गए। क्या ये प्रोसेस अब कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा, कब तक, जब तक कि सारा का सारा चार्ज कैपेसिटर का क्या ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, यानी कि कैपेसिटर फुली क्या ना हो जाए, डिस्चार्ज। तो ये साहब मैंने डायरेक्ट अब मैं लास्ट स्टेप दिखा रहा हूं आपको और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इसके पांचों डब्बे भर जाएंगे इससे, ऑल फाइव लेवल्स विल बी कंप्लीटेड फुली, और इसके पांचों
खाली में खाली, ये खाली हो गए। इसका मतलब अब कैपेसिटर के अंदर कुछ भी चार्ज नहीं बचा। फाइव लाइंस शो कर दी एक तरफ, ये दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4 है ना, समझ जाओगे। तो मैं बेटर क्लियरेंस के लिए इधर की तरफ से हटा रहा हूँ। जब ये सारा का सारा चार्ज खत्म हो चुका होगा तो क्या इस टाइम पे मैक्सिमम करंट फ्लो रही होगी क्या सर्किट में? यस सुनो, तो उस मैक्सिमम करंट क्या बोल दें? आई नॉट, आई मैक्स। इसके अंदर ये मैक्सिमम करंट फ्लो हुई, कहां से स्टार्ट हुई थी? आई इज इक्वल टू जीरो से, फिर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, समझने के लिए 5 एम्पियर मैक्सिमम होगी। अब हमारा कैपेसिटर हो चुका है पूरी तरह से डिस्चार्ज, तो इसकी पूरी एनर्जी किसको मिल गई? इंडक्टर को। यस और नो? यस सर। अब जैसे ये डिस्चार्ज हुआ, अब कहानी बदल गई सर। जैसे डिस्चार्ज हुआ, आई नॉट करंट इस सर्किट में से एकदम से क्या हो जाएगी? गायब होना स्टार्ट होगी, है ना, खत्म होना स्टार्ट होगी। जैसे ही आई नॉट खत्म होना स्टार्ट करेगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही थी वो किसके कारण बन रही थी? इस करंट के फ्लो के कारण। अब जब कैपेसिटर ही डिस्चार्ज हो गया तो इस सर्किट को करंट देगा कौन? कोई नहीं। तो इसका मतलब इसमें से करंट धीरे धीरे कम हो, धीरे का मतलब करंट डिसअपीयर हुई। डिसअपीयर होता ही यहां इंडक्टर को पता चला भाई मुझे करंट मिल नहीं रही। तो इंडक्टर का काम क्या होता है, कॉइल का काम क्या होता है? जो भी चेंज आए उसका क्या करना? अपोज करना। अपोज। अभी इसको दिख रहा था कि मेरे पास मैक्सिमम फील्ड लाइंस हो रखी है, और इसकी वजह से जैसे ये डिस्चार्ज हुआ इसकी वजह से इसकी फील्ड लाइंस कम होने की कोशिश कर रही थी। तो ये इंडक्टर क्या चाहेगा कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो जाए या बनी रहे? बनी रहे। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए रखना चाहता है तो इसको एक करंट फ्लो करवानी पड़ेगी, और उतनी सेम डायरेक्शन में बनाना चाहता है तो करंट किधर फ्लो करवानी पड़ेगी? अपोजिट की सेम डायरेक्शन में, जैसे पहले चल रही सेम डायरेक्शन में। अभी तो अपोजिट नहीं, हम यहाँ पे आई नॉट के डिक्रीज होने का अपोज करवा रहे हैं, आई नॉट के होने का अपोज नहीं करवा रहे। किसका अपोज करवा रहे हैं? आई नॉट के ना होने का। तो ये चाहती है ना कि वापस से आई ना आ जाए, कोई से करंट वापस से इधर आ जाए। तो कोई करंट इधर आएगी तो इसको वापस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर ही बनाए रखनी। बनाए रखने के लिए ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो इसकी पास एनर्जी थी वो हटा देगी और उसको कन्वर्ट करवा देगी करंट की फॉर्म में। इधर करंट इधर से फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो इसने अपना एक एनर्जी का डब्बा इधर की तरफ से दे दिया और कैपेसिटर एक का चार्ज इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया। फिर से समझना, आई नॉट मैक्सिमम थी, अब जब ये फुली डिस्चार्ज हो गया तो आई नॉट गायब होना स्टार्ट हुई। आई नॉट गायब होना स्टार्ट हुई तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिसअपीयर हो जानी चाहिए थी, लेकिन इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है? जो भी हो रहा होता है उसके चेंज होने का अपोज करता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डिसअपीयर होना, इसके मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर करंट नहीं आना। ये नहीं चाहता कि करंट ना आए, क्योंकि पहले से इसको दिख रहा है कि इतनी देर से मेरे पास करंट आ रही है, तो ये चाहेगा कि मेरे पास अभी भी करंट आती रहे, लेकिन इसको करंट देने वाला कोई मिल नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, इसने जो अपने पास 5 डब्बे भरे थे पूरे के पूरे यहाँ पर, उसमें से ये अपना एक एनर्जी लेवल को खत्म करेगा और इस सर्किट में करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि पता है हमें जो भी एनर्जी होती है उसके थ्रू इंड्यूस ईएमएफ होता है। इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर करंट गायब हो रही है, यानी कि आप सोचो कि करंट डिक्रीज होने का मतलब एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गई कैंसिल आउट करने के हिसाब से। तो ये नहीं चाहता कि कैंसिल आउट हो, तो ये वापस से एक करंट इधर ही जनरेट करवाना चाहेगा। एक जनरेट करवाने के लिए जो 5 इसकी लाइन थी उसमें से एक लाइन यानी कि एक एनर्जी लेवल को खत्म करेगा और एक करंट इसी सेम डायरेक्शन में करवाएगा। जब ये करंट इधर फ्लो होगी तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उस डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज होता है। तो एक कैपेसिटर चार्ज हुआ एक एक एनर्जी लेवल से, तो इसका एक एनर्जी लेवल इधर बढ़ गया, इसका एक एनर्जी लेवल इधर कम हो गया। अब फिर से एक एनर्जी तो अभी बढ़ा है, फिर से ये गायब हो जाने की कोशिश करेगी। भाई इसने तो चार्ज करवा दिया, कैपेसिटर जब तक फुली चार्ज नहीं होगा तब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ध्यान रखना है। तो अब ये फिर से करंट इसको वापस खत्म होती थी कि तो अपना ये दूसरा एनर्जी लेवल भी खत्म कर देगा साहब, ये दूसरा एनर्जी लेवल खत्म कर देगा और इसके अंदर सर्किट में करंट बढ़ा देगा।
करंट बढ़ा देगा तो अब कैपेसिटर वापस से चार्ज हो गया थोड़ा और, तो इसका एक डब्बा और इधर खत्म हो गया और इसका दूसरा डब्बा भर गया, यहाँ पर एनर्जी लेवल बढ़ गया। फिर से ये दो होने के बाद फिर से यहाँ पे दिखेगा कि करंट फिर डिसअपीयर होना चाह रही, करते 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 होगा क्या, ये अपने पांचों एनर्जी लेवल्स को खत्म करा देगी और इसके पांचों डब्बे भर देगी। तो क्या कैपेसिटर अब फुली चार्ज हो गया क्या? हाँ ना? यस सर। अब कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो गया तो क्या उस टाइम पर ये फुली अपनी एनर्जी लूज कर चुका है इंडक्टर? यस सर। अब इसके पास तो है ही नहीं साहब यहाँ पर, अब इसके पास कुछ भी देने को नहीं, अब ये क्या करे, अब चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, कैपेसिटर ने कहा भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन घेऊ नका, आई एम हियर, व्हाई यू आर हैविंग फियर। तो देखो इसकी ये हो गया पूरा फुली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है इधर, इसने कहा मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ, तेरे पास एनर्जी खत्म हो गई ना तो मुझसे वापस ले ले। तो अब ये फिर से एक करंट, अब पहले करंट इधर फ्लो हो रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन अब करंट इधर से फ्लो होना स्टार्ट होगी क्योंकि चार्जिंग अब अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक से डिस्चार्ज हुआ तो इसका एक एनर्जी लेवल खत्म और इसका एक एनर्जी लेवल फिल हो गया। फिल होते ही इसके अंदर जो पहले करंट ऐसे आ रही थी उसके एरोस चेंज हो जाएंगे, चेंज होते ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अब इसमें नॉर्थ इधर बनेगा और साउथ ऊपर बनेगा, ये ऐसा डायग्राम। फिर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फिर इसने दूसरा चार्ज भी दे दिया, दूसरा चार्ज से इसका ये दूसरा एनर्जी लेवल खत्म हुआ और इसका दूसरा एनर्जी लेवल बढ़ गया। फिर दूसरा एनर्जी लेवल बढ़ गया तो फिर से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों तरफ बढ़ गई सेम वे में। फिर ऐसे होते होते ये अपने तीनों यानी कि पांचों एनर्जी लेवल को खत्म करवा डालेगा और इसके पांचों एनर्जी लेवल फिल हो जाएंगे। ये हो गया फुली, क्या वापस से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया क्या? यस सर। क्या इस इंडक्टर ने फिर से सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और स्टोर कर ली किस टर्म्स में? मैग्नेटिक फील्ड्स की टर्म्स में। अब जब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, इसने कहा कि भाई मैं हो चुका हूं खत्म, मैं हो गया हूं डिस्चार्ज, अब इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, तो अब क्या होगा, इंडक्टर आ जाएगा कि भाई टेंशन की बात नहीं, तूने मुझे दिया था मैं तेरे को वापस दे देती हूँ, ठीक है साहब। अब ये करंट इधर पहले आ रही थी, अब इसके अंदर जैसे ये डिस्चार्ज हुआ ये करंट आना बंद हो गई। इंडक्टर नहीं चाहेगा कि ये करंट ना आए, ये चाहता है कि करंट आती रहे, तो ये अपने एक एनर्जी लेवल को फिर से खत्म करेगा और एक करंट इधर वापस से फ्लो कराएगा। अब इधर फ्लो कराएगा तो करंट का फ्लो इधर हुआ, कैपेसिटर इधर चार्ज हुआ। फिर ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज ना हो जाए। बताइए अब कैपेसिटर किधर की तरफ चार्ज हो जाएगा? वापस इनिशियल कंडीशंस की तरफ ही, जहां देखा था वैसे। फिर से क्या ये डिस्चार्ज चार्ज, क्या ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा? चार्ज डिस्चार्ज, इनके एनर्जी हमेशा एक तरफ से कम होगा तो दूसरी तरफ बढ़ेगा, दूसरी तरफ कम होगा तो पहली तरफ बढ़ेगा, हाँ कि ना? यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आइडियल सिचुएशन में बात की जाए कि हीट कोई डिसिपेट नहीं, कोई रेडिएशन डिसिपेट नहीं हुआ, कहीं कुछ बाहर नहीं गया, तो क्या एनर्जी कंजर्व बनी भी है या नहीं है पूरे सिस्टम की? Yes, sir. तो क्या हम बोल सकते हैं इन ड्यूरिंग द एलसी ऑसिलेशंस इन आइडियल सिचुएशन एनर्जी इज ऑलवेज बीइंग कंजर्व्ड? एलसी ऑसिलेशन इज द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो दिस इज द एलसी ऑसिलेशन। अगर आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर ऑसिलेशंस जो होने थे ये किसके कारण होने थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के कारण। और यहां पर जो ऑसिलेशन हो रहे थे वो किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के कारण। इन्हीं के अंदर इंटरचेंज हो रहे हैं। ऑब्वियसली जो भी अगर मैं ऑसिलेशंस बोल दूं उसके अगर एम्पलीट्यूड, ऑसिलेशंस के एम्पलीट्यूड की बात की जाए, ऑसिलेशंस एम्पलीट्यूड और उसकी फ्रिक्वेंसी, तो क्या कुछ इसी तरीके के ऑसिलेशंस बन रहे हैं क्या? क्या हर साइकिल सेम टाइम इंटरवल में और सेम एम्पलीट्यूड की मिलेगी क्या?
सभी का एम्पलीट्यूड और सभी की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, कांस्टेंट रहेगी, हाँ या ना? आइडियल सिचुएशन में यस सर। तो इस फ्रीक्वेंसी, इस तरह की फ्रीक्वेंसी जो डिसिपेट नहीं हो रही, और इस तरह के ऑसिलेशंस को बोलते हैं अनडैम्ड ऑसिलेशंस, अनडैम्ड ऑसिलेशंस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एलसी ऑसिलेशंस। लेकिन इन प्रैक्टिकल, इन एक्चुअल व्हाट हैपेंस, ऐसा होगा नहीं, ऑसिलेशंस विल बी डैम्ड। डैम्ड का मतलब ये धीरे धीरे खत्म होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हर प्रोसेस के अंदर, ये ठीक वैसे है जैसे आप बैटरी अपना मोबाइल यूज करते हो, आप एक बार चार्ज करते हो फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, यूज करने से वो हीट अप हो जाता है डिवाइस। तो ठीक इसमें भी अगर हीट नहीं भी है, तो पहली चीज तो कोई भी इंडक्टर ऐसा नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस 100% जीरो हो, यानी कि प्योर नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर पॉसिबल नहीं होता। एक चीज, अगर रेजिस्टेंस है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ, और उसकी एनर्जी चली जाएगी इन टर्म्स ऑफ हीट। पहला रीजन कि अनडैम्ड क्यों नहीं रहते एक्चुअल में, एलसी ऑसिलेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है तो भी, तो उसका रीजन कुछ एनर्जी एनवायरमेंट में डिसिपेट हो गई इन टर्म्स ऑफ हीट, सिंस इट इज नॉट द प्योर, प्योर बोल रहे हो लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। दूसरा, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि ये प्योर नॉन रेजिस्टिव सर्किट है, नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर है, किसका रेजिस्टेंस जीरो मान भी लो, तो भी जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके ऑसिलेशन हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट करेंगे। हीट नहीं क्रिएट करेंगे तो ईएम रेडिएशंस, ईएम वेव्स क्रिएट करेंगे, और वो रेडिएशंस बाहर आ जाएंगे। वो रेडिएशंस बाहर आएंगे तो रेडिएशंस भी बाहर आ रहे हैं तो किस टर्म्स में आ रहे हैं? एनर्जी की टर्म्स में। Wave is also the form of energy, nothing else. तो EM electromagnetic radiations बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा एनर्जी का एनवायरमेंट के अंदर डिसिपेट होगा। डिसिपेट होगा तो हर बार इन एक्चुअल अगर इसका ऑसिलेशन बना हो तो ये शुरू में इतना रहा तो फिर दूसरी टाइम थोड़ा कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, मतलब दोनों तरफ ऑलमोस्ट सिमिलर मैनर के अंदर कम होगा। ऐसा नहीं कि इधर ज्यादा कम हो रहा है उधर कम हो रहा है। इन दैट वे ऑसिलेशन आफ्टरवर्ड्स फाइनली ये पूरा प्रोसेस रुक जाएगा। एंड दीज सच काइंड ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज डैम्ड ऑसिलेशन। इसको अगर समझना हो कि डैम्ड ऑसिलेशन कैसे है, ये ठीक वैसे एक पेंडुलम लो आप अपने घर पे और उसको ऐसे हैंग, उसको ऐसे पकड़ करके छोड़ दो, तो कुछ देर बाद वो पहले तो मैक्सिमम ऑसिलेशन करेगा, फिर धीरे 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 रेस्ट पे आ जाएगा। यही वो चीज है, डैम्ड ऑसिलेशंस। सो दिस होल सर्किट और दिस होल कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एससी ऑसिलेशन। इस यही ऑसिलेशंस पाए जाते हैं कहाँ? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर, रेडियोस के अंदर, जो हम ट्यूनिंग करते हैं रेडियो की ट्यूनिंग, है ना, पुराने जमाने के जो रेडियो आते हैं, तब तो डिजिटल आने लगे, सिर्फ बटन दबाते हैं, तो उनकी जो ट्यूनिंग करते हैं उसमें जो नॉब होती थी, या टीवी के अंदर जो नॉब होता था ट्यूनिंग के लिए, उसके अंदर क्या चीज होती है? बेसिकली एलसी ऑसिलेशंस। तो कितनों को ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया साहब?